हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप दूधी चना दाल की रेसिपी देखेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट है ये। आप ढाबे की दाल का स्वाद आप घर पे लीजिए, बहुत ही टेस्टी है ये। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। चने की मैंने यहाँ एक कटोरी दाल ली है, चने की दाल ली है एक कटोरी। इस कटोरी का मेजरमेंट किया है मैंने। इसे मैंने एक घंटे के लिए भिगो दिया था। आप देख सकते हैं फूल चुकी है और साफ पानी से वॉश कर लिया है। इसे हम कुकर में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे, यहां मैंने ली है लौकी, एक कटोरी के आसपास है ये। जिस कटोरी से दाल का मेजरमेंट की है वो आधी कटोरी है, ये आधी कटोरी से थोड़ी ज्यादा। आप अपने आइडिया से डाल सकते हैं। यहाँ मैं लौकी डाल रही हूँ, आप एक कटोरी भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ लौकी डाल दी है कद्दूकस करके। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, पानी डालेंगे बॉईल करने के लिए। मैंने यहाँ तीन कटोरी पानी लिया है। अब इसे गैस पर हम पकने के लिए चढ़ा देते हैं कुकर को। आप अपने कुकर में अपने हिसाब से दाल को पका लें जब तक दाल गल नहीं जाती। मैं यहाँ कुकर में 2 से 3 सीटी में बना रही हूँ। तड़का रेडी करने के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच बटर लिया है। इसी के साथ 2 चम्मच हम डालेंगे ऑयल। इसे हम गरम होने देंगे। बटर हमारा गरम हो गया है, इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच राई, 1 साबुत लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च है, 1 तेज पत्ता, फ्लेवर के लिए थोड़ी हींग। लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन न डालें। इसी के साथ डालेंगे 10 से 12 करी पत्ता, हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च डालिए मैंने। बहुत ही अच्छी लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें। 1 बारीक कटा हुआ प्याज, इसे हम भून लेते हैं। थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे ताकि प्याज हमारे जल्दी भून जाए। नमक देख के डालें, पहले हमने दाल में भी डाला है। अब इसमें डालेंगे मीडियम साइज के 2 टमाटर बारीक चॉप किए हुए। टमाटर को गलने तक हम इसे पका लेंगे। हम ढककर पका लेते हैं ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। चने की दाल चटपटी ही अच्छी लगती है। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब जो दाल हमने पकाई है वो डाल देंगे। दाल को मैंने यहाँ घोट लिया है चम्मच से, अच्छे से मिक्स हो गई है दाल। ये देखिए इतना अच्छा कलर आ गया है दाल में, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। इस
इसे हम ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। ये देखिए दाल हमारी बन गई है अच्छे से। इसमें डालेंगे हम हरे धनिए की पत्ती। बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनी है। ढाबे का स्वाद आप घर बैठे ले सकते हैं। इतनी टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। डेली आप यही दाल बनाने की सोचेंगे। इतनी अच्छी दाल बनी है ये, खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।